एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित फैशन नाइट शो फॉर हैंडीकैप्ड एंड ट्रांसजेंडर द्वारा रैंप कार्यक्रम का आयोजन SSI इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें विभिन्न शहरों के दिव्यांग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम के समापन में मुख्य अतिथि एवं सामाजिक संगठन द्वारा सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आप अपने बारे में पहले दो लाइन बताइए हमारे दर्शकों को। तो मैं सभी लोगों को, जितने भी फोरम चुके हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं पहली बार आया हूं यहां पे गोरखपुर में। मैं पहले बहुत अच्छा था और मुझे चोट लगे हुए 8 साल हो गए। मेरा रीढ़ का हड्डी में चोट लगने के कारण मैं पैरालाइज हो गया, जो कि मैं कहीं नहीं निकल पाता। घर में एक 4 दीवारी में रह के सारा जिंदगी बहुत कष्ट जिंदगी लग रहा था, लेकिन आशुतोष भैया के कार्यक्रम को सुना मैंने और मैं आज यहाँ पे आया। सर आप लोग भी आगे आए 13 काम आज, यही मोटिवेशन हम आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं। जोरदार तालियां सभी के लिए। समय बहुत कीमती है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम और ऐसे बच्चों को अप्रिसिएट करने का मौका फिर दोबारा जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान, आंसू और आपका मेरे प्रति प्यार देख के मैं ये कार्यक्रम जल्दी और कराऊं। इस कार्यक्रम के बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए आशुतोष कुमार पांडे ने बताया। कार्यक्रम यूपी का पहला कार्यक्रम डेसिबल में था। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए दिल्ली, भोपाल, उत्तरांचल और दिल्ली से आए थे और अपना रैम शो के द्वारा अपने बातों को इस मंच के द्वारा रखा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम हम आयोजन करते रहते हैं। अगर आपके मीडिया के द्वारा कोई भी बच्चा डिसेबल हो, वो अपने मैरिज के लिए, शिक्षा के लिए, किसी भी चीज़ की कमी हो, तो